सोचता है क्या हो रहा है ये। हाँ वो मतलब अपनी परंपरा बच्चों की पूरी कर रहा है फर्स्ट बर्थडे। देखो ये लो रोहन केक। ये है ना पैसे नीचे बैठे। ये चिकन वाह। देखो मम्मी ये कबाब है, ये रोटी है, ये नूडल है, ये चिकन है, ये अचारी मटर है। अपने हाथ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मतलब उसके आने से ना बहुत ज्यादा रौनक आ गई है घर में। और मतलब कोई भी इंसान कितना भी परेशान हो कुछ हो, उसको देख के ना भी सबको मतलब चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अगर थोड़ी देर अम्मी भी चुप होंगी तो रुहान आ जाएगा। कुछ भी टेंशन है तो उसने आके हम सबकी जो कहते हैं ना परेशानी हर चीज वो दूर कर दी है। तो बस तो फ्रेंड्स सबा के पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि उनकी तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी और वो व्लॉग्स में रोती हुई भी नज़र आ रही थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनमें और शुएब दीपिका में कुछ मनमुटाव चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और रो रही हैं। यहाँ तक कि ईद पर सभी ऊपर फ्लैट में सबा के यहाँ गए उन्हें विश करने के लिए, लेकिन शुएब दीपिका और रूहान नहीं गए सबा को विश करने के लिए। यहाँ तक कि सबा खुद भी रूहान तक से ईद वाले दिन नहीं मिली। तो लोगों ने कयास लगाया कि शायद इनमें कुछ भाई बहन में मन मुटाव चल रहा है। लेकिन आप रूहान के बर्थडे वाले दिन साफ देख सकते हैं कि सबा और सनी उनके बर्थडे पर आए हैं और उन्होंने रूहान को ढेर सारी दुआएँ भी दी हैं। साथ ही वो शुएब और दीपिका से बिल्कुल ऐसे ही मिले हैं जैसे कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये सब खबरें फेक हैं, इब्राहिम फैमिली में कोई भी इस तरह की बात नहीं है। और जो थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा भी तो वो भी रूहान के बर्थडे पर सब खत्म हो चुका है, भाई बहन एक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय इस बारे में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।